वेलकम टू एच एम क्लासेस। एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करने जा रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 डिटेल एनालिसिस ऑन कॉलेज लेक्चरर एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ मार्क्स फॉर मैथमेटिक्स। जैसे कि आप सब जानते होंगे, मैथमेटिक्स का इंटरव्यू के लिए रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। अब इंटरव्यू शेड्यूल्ड होने वाला है, इससे रिलेटेड हम पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। ये एनालिसिस लास्ट ईयर कट ऑफ जो इंटरव्यू से पहले और इंटरव्यू के बाद जो कट ऑफ रिलीज़ किए गए थे उसके बेस पर है, और अभी का जो पेपर आया था उस पर भी उसको भी कंसीडर किया गया है। चलिए हम आगे बढ़ें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीट्स की कि इस बार आपको कितनी सीटें देखने को मिल रही है और लास्ट टाइम की कितनी सीट है, क्योंकि सीट के ऊपर आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है और पेपर के ऊपर भी करती है, पर सीट भी बहुत मायने रखते हैं। जो इस बार जो सीटें आपको मैथमेटिक्स की देखने को मिल रही हैं वो 34 है, और उसके अलावा अगर हम लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें, लास्ट ईयर इन द सेंस कि आरपीएससी कॉलेज लेक्चर 2014 में जो एडवर्टाइजमेंट आई थी और उसमें रिक्रूटमेंट हुई थी, उसमें आपके मैथमेटिक्स की जो सीटें थी वो 45 थी। अब हम बात कर लेते हैं इनके रिजल्ट की। पहले हम बात कर लेते हैं इस बार के रिजल्ट की और पहले के रिजल्ट दोनों की बात कर लेते हैं। 34 सीट पे 293 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है इंटरव्यू के लिए, प्रोविजनली हैं सेलेक्टेड इंटरव्यू के लिए 293 34 पे। यानी जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि ये कम से कम 8.5 से 9 गुना अभ्यर्थियों का इंटरव्यू के सिलेक्शन किया था। अकॉर्डिंग टू रूल्स 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाना चाहिए, जबकि यहाँ पे 8.5 9 गुना देखने को मिल रहे हैं, जो कि हमारी समझ के भी बाहर है कि ऐसा क्यों किया जाए है। क्योंकि लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें तो उसमें केवल 45 सीटें थी, तो 45 पे 3 गुना अभ्यर्थियों को ही बुलाया गया था। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर आपको जो कैंडिडेट कॉल किए गए थे वो कैंडिडेट थे आपके 125 कैंडिडेट को कॉल किया गया था, जो कि लगभग आपके 3 गुना अभ्यर्थियों के, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सीट के हिसाब से 3 गुना, यानी कुछ अभ्यर्थी किसी कैटेगरी में, स्पेशल कैटेगरी में अगर नहीं मिलते हैं तो उसकी वजह से कम हो जाते हैं। यानी जितनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग है वो 3 गुना के हिसाब से हैं। वैसे 145 का 135 हो जाता है 3 गुना अभ्यर्थी, लेकिन 125 देखने को मिल रहा है क्योंकि अकॉर्डिंग टू कैटेगरी उन्होंने 3 गुना अभ्यर्थियों को कॉल किया था। तब आपको कट ऑफ देखने को मिली थी मैथमेटिक्स की 105.81, और जहाँ पे एससी के जो कैंडिडेट थे वो उनको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इस बार उस समय 8.65 मार्क्स पे गए थे और एसटी पे 13.70 और ओबीसी के लिए 77.33 देखने को मिला था, जो कि काफ़ी कम है। लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल ही चेंज है। इस बार आपको जनरल एससी एसटी ओबीसी जो भी हैं कैटेगरी, सब में एक ही कट ऑफ देखने को मिल रही है। आप देख पा रहे हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी और ओबीसी एमबीसी सबकी एक ही कट ऑफ दिख रही है 77.27, लेकिन अभ्यर्थी यहाँ पे 9 गुना के करीब हैं, जो कि अगर आप इसको 3 गुना में कन्वर्ट करें तो यही कट ऑफ आपको 100 प्लस देखने को मिल सकती है। यानी इन्होंने इतने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया है तो आपको 77.27 देखने को मिल रही है, अदरवाइज ये 100 प्लस आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती थी, 105 के करीब कट ऑफ हो सकती थी 3 गुना अभ्यर्थियों पे। और लेकिन इन्होंने ऐसा किया है, वो उसका रीज़न हम नहीं जान सकते, लेकिन ये रियलिटी है। यानी 3 गुना अभ्यर्थियों पे 100 प्लस ये कट ऑफ जानी चाहिए थी, जो कि इन्होंने इतना कम किया है। अब हम फाइनल की बात कर लेते हैं कि आपको, जैसे कि मैं बता दूं, यहाँ पे आपको फाइनल कट ऑफ देखने को मिल रही है 105 के बाद जनरल की जो फाइनल कट ऑफ थी वो 157.79 थी, 44 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे इस पे। इस बार जो सीटें हैं वो पिछली बार से भी कम सीटें हैं, केवल 34 सीटें हैं। पेपर का स्ट्रेंथ काफ़ी थोड़ा हाई था, थर्ड वाला पेपर सभी के लिए टफ था, तो इसलिए वहाँ पे आपको दोनों को अगर कंसीडर करते हैं
कि एक पेपर के टफनेस को और आपकी सीटों को, तो यहाँ सीटें कम है पेपर टफ है, तो लगभग इतना ही जा सकता है, लेकिन फिर भी हमने अब जितना एनालिसिस किया उस हिसाब से हम आपको बता देंगे। यहाँ पे ऐसे कि आपको फाइनल कट ऑफ कम दिख रही है क्योंकि इसकी पहले जो कट ऑफ थी वो 8.65 के करीब थी, यहाँ पे जो कट ऑफ थी वो 13.70 के करीब थी, यहाँ पे ओबीसी की 104 ही देखने को मिल रही है। लेकिन इस बार इसमें चेंजेस है, इस बार ये चेंजेस हैं कि यहाँ पे इनको EWS SC ST OBC के कैंडिडेट काफ़ी मिले हैं, और जिसके कारण इतनी आपको उनमें कैटेगरी में कट ऑफ देखने को मिल रही है। लेकिन इस बार अगर हम फाइनल बात करें तो आपकी जो कट ऑफ है वो इंटरव्यू के लिए ही 105 के करीब कट ऑफ जानी चाहिए थी जनरल की, और SC ST और OBC EWS उससे कम थी। लेकिन इस बार अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें, हो सकता है आप हमारी बातों से सहमत ना हो, हमारे एनालिसिस से सहमत ना हो, लेकिन जितना फैक्ट दिख रहा है वो फैक्ट यही बता रहा है कि जो फाइनल कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाने वाली है अकॉर्डिंग टू इसके इंटरव्यू के लिए जो कट ऑफ गई है। इस बार जनरल की आपको 145 से लेकर 150 तक जनरल की आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है, EWS की 140 से 145। ये इसलिए मैं इतना 5 मार्क्स से करीब कम है या 5 से 10 मार्क्स कम है क्योंकि EWS का राजस्थान में जो रूल्स है वो काफ़ी इजी कर दिए गए हैं, आजकल हर कोई जनरल वाला ही EWS में आ गया अकॉर्डिंग टू राजस्थान के रूल्स के हिसाब से। 8 लाख की इनकम कर दी है केवल, और 8 लाख की इनकम अधिकतर लोगों के पास वैसे ही नहीं है। SC की बात करें अगर तो 135 से 140 के करीब देखने को मिल सकती है क्योंकि इस बार कट ऑफ 77.27 इसकी प्राथमिक कट ऑफ देखने को मिल रही है। ST की, OBC की आपको 140 से 145 के बीच में, EWS और OBC लास्ट ईयर से काफ़ी एनालिसिस करने के बाद यही पता पड़ रहा है EWS और OBC की कट ऑफ लगभग सेम ही जा रही है, और ST की बात करें तो 130 से लेकर 135 के करीब कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ये आपकी फाइनल कट ऑफ एक्सपेक्टेड है। अब फाइनल क्या जाएगी इसके बारे में 100% तो कोई श्योर ही नहीं है, ये केवल एनालिसिस लास्ट ईयर के और इस बार के पेपर के और जो हमने कैंडिडेट्स से बात की है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। अगर आप इससे नहीं है सहमत तो आप वीडियो को इग्नोर कर सकते हैं, और जैसे ही आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है हम आपको अपडेट कर देंगे। आप जो भी सेलेक्ट हुए हैं, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम HM क्लासेस यूट्यूब चैनल, और आप अपनी तैयारी करते रहिए। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।